आज का दिन मेरे लिए तो निश्चित रूप से एक रोमांचकारी दिन है ही, लेकिन पूरे विश्व के लिए आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है एरो स्पोर्ट्स की दुनिया में। जब आज पूरी दुनिया पहली बार वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे सेलिब्रेट कर रही है, और वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे के दिन में आज भारत में यहाँ नारनौल में ये फैसिलिटी प्रारंभ हुई और हमने पहली बार यहाँ से जंप किया है, मैं अपने आप को रोमांचित महसूस करते हुए साथ ही साथ में एक बहुत उज्जवल भविष्य भारत के पर्यटन की दुनिया में, पर्यटन के क्षेत्र में, एरो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आज से प्रारंभ होता हुआ देख रहा हूँ। जिस तरह से पूरे विश्व भर में इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रति रुझान बढ़ा है, अनेक भारतीय हजारों की संख्या में हर साल दुनिया के दूसरे देशों में, दुबई में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, न्यूजीलैंड में जाकर के इस एरो स्पोर्ट्स का आनंद लेते हैं, स्काई डाइविंग का आनंद लेते हैं। भारत में ये फैसिलिटी शुरू होने के बाद निश्चित रूप से लोगों को इस रोमांच को अनुभव करने का अवसर तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ में भारत के पर्यटन के क्षेत्र में भी, पर्यटन के इजाफे में वृद्धि के दृष्टिकोण से भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं सारी एकेडमी को, रुद्रा को स्पेशली, जिन्होंने आज इस अवसर पर इस महत्वपूर्ण दिन के अंदर मुझे ये अवसर प्रदान किया है। बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच। आई लुक अ वेरी वंडरफुल एंड अमेजिंग फ्यूचर इन द फील्ड ऑफ एरो स्पोर्ट्स इन इंडिया एंड इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स इन इंडिया, एंड आई विश द ग्रेट सक्सेस टू द टीम रुद्रा। They and I feel and sky high team sky high and team rudra, and I wish that them all success and good luck. हरियाणा और केंद्र सरकार ने एक साझा प्रयास किया है, एक प्रोजेक्ट बनाया है नारनौल को टूरिज्म के लिए। ढोसी पर्वत है जिसमें चवन प्रास बना करता था, केंद्र सरकार पैसा लगा रहा है और हरियाणा सरकार उसमें जमीन दे रही है, मुख्यमंत्री ने दौरा करके दोनों के बीच में समझौता हुआ है वो प्रोजेक्ट, ताकि ये एरिया जो है टूरिज्म के लिए डेवलप हो सके। क्योंकि विदेशी सैलानी जब राजस्थान निकलते हैं तो नारनौल होकर के जाते हैं, पॉइंट बनाया जा रहा है। देखिए भारत में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन और नए तरह के पर्यटन के आकर्षण के केंद्र डेवलप करने की आवश्यकता है। हरियाणा सरकार का, मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब सिंह सैनी जी का, नायब सिंह सैनी जी का बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ये प्रगतिशील कदम अपने स्टेट में लिया है। भारत सरकार सब तरह से इसमें राज्यों का सहयोग करेगी। यहाँ से आगे बढ़ करके हम पर्यटन के अन्य केंद्रों में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, जहाँ टूरिस्ट इनफ्लो बहुत है, वहाँ इस तरह की फैसिलिटीज को प्रारंभ कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें। राज्य सरकार और देश की सरकार टीम स्काई हाई के साथ में मिल करके इस एडवेंचर स्पोर्ट्स को भारत में प्रमोट करने के लिए काम करेंगे।